हम लोग ने टिकट ले ली है और पर टिकट है 15 डॉलर पर पर्सन 15 डॉलर, यानी 750 रुपये की एक टिकट है। निकल तो चुके 11 बजे, अभी 11 बजे निकले थे यहाँ से सुबह, तो शायद आधे घंटे में पहुँच जाएगा या तो 20 मिनट में पहुँच जाएगा हम लोग वही। और लगभग 45 मिनट्स की फेरी राइड के बाद हम सेंट जॉन्स आइलैंड पहुँच गए। पहुँच चुका हूँ सेंट जॉन आइलैंड पर और वाकई में बहुत खूबसूरत है। हालांकि बीच बीच में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। लेकिन सेंट जॉन आइलैंड काफ़ी वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। आगे बढ़ते ही मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर हमें इस आइलैंड पर क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया गया था, प्लस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेंशन किए गए थे और साथ ही इन केस ऑफ एमरजेंसी पुलिस कोस्ट गार्ड का फ़ोन नंबर भी दिया गया था। और कुछ ही दूरी पर मुझे सेंट जॉन्स आइलैंड का मैप भी दिखाई दिया, लेकिन इस मैप में मुझे एक बात तो अजीब लगी कि पहले से ही सेंट जॉन्स आइलैंड, लाज़रस आइलैंड, पुलाव सेरेंगेट और पुलाव सेरेंगेट कैचिर में भूमि के विलय के बावजूद ये सभी एक नक्शे पर दिखाई नहीं देते हैं। अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं शेल्टर पॉइंट की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी शेल्टर बेंचेस है और वहाँ पर हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। See the ocean, how it sways in the sun. Keeping our stories in its motion, lies the truth about us. थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था लगुन। लगुन बेसिकली एक इंटरटाइडल जोन होता है, इट मींस कि ड्यूरिंग लो टाइड लगुन में पानी बहुत ही कम होता है, इसलिए आप लगुन पर चल सकते हो और सी एनिमल्स और प्लांट्स को देख सकते हो, सच एज सी ग्रासेस, सी स्टार्स, फिडलर्स, क्रैब्स, सी ककंबर्स एंड हर्मिट क्रैब्स। यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस है जहाँ पर आप जाके रह सकते हो और मतलब फ्री में आप रह सकते हो, वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो और भी अच्छी बात है, फैमिली के साथ अच्छी जगह है आने के लिए। यहाँ पे बहुत लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर आके। तो सेंट जॉन आइलैंड काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर फ्री में बने हुए कॉटेजेस है, तो जो पहले आएगा वो वहाँ पर चले जाएगा। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो सेंट जॉन आइलैंड में ज़रूर आइएगा, काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है। हालांकि और एक सिलोसा या सिलोसो बीच भी है, वहाँ पर मैं प्लान कर रहा था जाने का, लेकिन मुझे थोड़ा मतलब कम ये चाहिए था, मतलब ज़्यादा लोग नहीं चाहिए थे, थोड़ा पीसफुल चाहिए था जगह, तो मैंने इसलिए सेंट जॉन आइलैंड सिलेक्ट किया। और यहाँ पर काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, तो बस अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लूँगा और आपको भी ये खूबसूरत जगह दिखा होगा, आप भी देखिए। और अगर आप आ रहे हो सिंगापुर में तो सेंट जॉन आइलैंड एक बार विज़िट ज़रूर कर लेना, अच्छा है। अगर पीसफुल चाहिए आपको, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला बीच नहीं चाहिए आपको, तो सेंट जॉन आइलैंड में ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं एकदम एंड पॉइंट तक आ चुका हूँ, यहाँ से सारे स्काई लाइन मुझे दिखने लगे, आपको भी दिखा देता हूँ। वो सिंगापुर का फ्लायर भी दिख रहा है मुझे। बहुत कम लोग आए हुए जो कि अच्छा है, तो बस मैं भी एक स्पॉट पकड़ लेता और बैठ जाता हूँ वहाँ पर और रिलैक्स करता हूँ वहाँ पर जाकर बैठ कर। हालांकि गर्मी का तो
क्या कहूँ मैं, सिंगापुर मतलब एक तरह से गर्म शहर है, गर्म बैंड बजा देता है। लेकिन अभी क्या करूँ, आना भी था मुझे यहाँ पर कैसे भी करके। और आज संडे, जिन को भी हॉलीडे है तो उसके रहते और इजी पड़ गया मुझे ट्रैवलिंग करना, नहीं तो अकेले में थोड़ा भारी पड़ जाता। क्यूट सी बच्ची है, क्यूट सी बच्ची है जो खेल रही है। तो सिंगापुर थोड़ा एक्सप्लोर करने अकेला थोड़ा मतलब भारी, मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाती मुझे कि कैसा आना यहाँ पर, कैसा ट्रैवल करना। थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो मैं ले ही लेता, लेकिन फिर भी खैर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी यहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और फिर थोड़ा स्विम भी कर लूँगा अंदर जाके, और फिर 2 घंटा यहाँ पर रहूँगा, फिर निकल जाऊँगा यहाँ से। एक समय था जब सेंट जॉन्स आइलैंड संक्रामक रोग और नशीली दवाओं के पुनर्वास केंद्र के लिए क्वारंटाइन आइलैंड हुआ करता था, और इस इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर आपको 1873 से लेकर 1970 तक की सेंट जॉन्स आइलैंड से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। ये जो आइलैंड है काफ़ी रिलैक्सिंग आइलैंड है। अभी यहाँ पर कोई नहा तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर नहाना मतलब स्विमिंग आप कर सकते हो, आप बीच पर जाके स्विम कर सकते हो। हालांकि अभी कोई कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं करने वाला हूँ स्विम। और बाय द वे जो आइलैंड है ये साउथर्न साइड में है सिंगापुर के, तो कभी भी आपको अगर रिलैक्सिंग बीच चाहिए तो आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग भी कम आते हैं और आराम से आपका टाइम भी कट जाएगा। हालांकि मेरे पीछे वहाँ पे इंडियन फैमिली है, एक बड़ा इंडियन फैमिली आया हुआ है वहाँ पर, तो बस पुराने पुराने गाने लगाए हुए हैं, पुराने यानी 80s 90s के गाने लगाए हुए हैं, तो बस गाना बज रहा है और वो सब एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। अब पूरी फैमिली आई है, यानी शायद दादा नाना सब, अरे बच्चे से ले कर बुज़ुर्ग तक सब आए हैं, पूरा एक बहुत बड़ा फैमिली है जो आया हुआ है, जो कि अच्छा है क्योंकि ऐसी जगह पर आप एकदम रिलैक्स कर सकते हो, आराम कर सकते हो। और फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो आराम से आपका यहाँ पर टाइम कट जाएगा। हालांकि दूसरी बीचेस भी है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और फिर आप थोड़ा ऑड भी लगता है अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पर कैसा है कि आप आराम से बैठ कर अपने फैमिली के साथ, ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, खाना खा सकते हो या खाना बना सकते हो। एक थोड़ा सा चालू टाइप बारबेक्यू है, तो बस यहाँ पर आप चाहे तो खाना बना सकते हो, जला कर भून कर जैसे हम बनाते ना खाना, जैसे वो रेस्टोरेंट में बनता है सीख कबाब, वो सब यहाँ पर आके बना सकते हो, तो अच्छा टाइम कट जाएगा आपका यहाँ पर। बस अब मैं यहाँ पर 1.5-2 घंटा और रहूँगा, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा आगे। यहाँ पर कुछ देर रिलैक्स करने के बाद मैं सीधा लंच करने के लिए चला गया।